वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो आज मैं सुबह ऐसे ही सोच रही थी कि आप लोगों के लिए कुछ फिर से कुछ नया किया जाए, तो मैंने सोचा बड़े दिनों से आप लोगों को ना कहीं सुनी नहीं सुनाई, मतलब जोक्स जो हम डालते हैं असली जोक, अपने रियल लाइफ जोक्स वो नहीं सुनाए हैं। तो आज ना यूजुअली मैं आपको दो जोक सुनाती हूँ ना, तो आज इसी खुशी में मैंने तीन जोक्स लेके आई हूँ। मज़ा आएगा ना? तो चलो चलो जल्दी से जोक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जोक कुछ ऐसा है कि हाँ, तीनों ही मतलब क्लासेस से रिलेटेड ही है जो हुआ है, मतलब दो क्लासेस जिसमें मैं स्टूडेंट थी और एक क्लास जिसमें मैं पढ़ा रही थी, बच्चों के साथ बातें कर रही थी। तो वैसे ठीक है, तो पहले अपनी एज ए स्टूडेंट वाली कहानियाँ सुनाती हूँ। तो हुआ गया एक दिन क्लास थी, तो उसमें एक टीचर ने पूछा, तो बेटा कौन कौन सी क्लासेस लग गई? मैंने बोला, टीचर दो इसिस की लग गई, एक आपकी भी लग गई। सर बोलते, बेटा ये लग गई तो तुम ऐसे बोलो जैसे लॉटरी लग गई। अरे वाह, कोई लॉटरी लग गई, अब मैंने क्लास ली। मन तो था यस सर 3 बैग्स फुल कहने का, बट कहा नहीं, मैंने बोला अभी नहीं कहते। तो ठीक है, तो ये था पहला जोक। थोड़ी सी स्माइल, हाँ अब ठीक लगती, स्माइल करते रहना हाँ आप सब। अब जो अगला जोक है वो ये है कि हमारे ही एक टीचर ने हमें होमवर्क दिया था। तो होमवर्क देने के बाद हम थोड़े और मतलब भटक गया था टॉपिक, होमवर्क की जगह किसी और चीज़ पे बात करने लग गए थे। फिर डायरेक्ट टीचर ने बोला, कल सब लोग तैयार होके आना। फिर शुक्र करो ऑनलाइन क्लासेस हैं तो माइक ऑफ पे कुछ बोल सकते हो, वरना हो जाता। तो हुआ ये, मैं मतलब मेरी एक साल से ऑनलाइन क्लासेस में मेरी परमानेंट क्लासमेट मेरी मम्मी है, ठीक है, पूरा एक साल हो गया है ठीक है ऑनलाइन क्लासेस को, तो मेरी क्लासमेट मम्मी बन चुकी हैं, परमानेंट क्लासमेट। तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी कल मैं क्लास में कौन से कपड़े पहन के तैयार होके आऊँ? तो ये हुआ था। तो उसके बाद माइक के पीछे, मतलब बिहाइंड द सीन जो कहते हैं ना, माइक के पीछे हम हंस रहे थे और क्लास ख़त्म हो गई थी। चिंता मत करना, क्लास के दौरान नहीं हंस रहे थे, क्लास के बाद हंस रहे थे। अब मैं अगली और बढ़ती हूँ। अगली में जब मैं पढ़ा रही थी और एक बच्चा था, तो हुआ क्या, ऐसी बच्चों को पहचानने थे कॉमेडियंस, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट्स थे उनको पहचानना था, उनको मैंने दिखाया कपिल शर्मा का चेहरा, मैंने बोला पहचानो कौन। और वो बच्चा बोलता, मतलब छोटा बच्चा था 3-4 साल का था, उसने बोला, मैम दिस इज कपिल शर्मा, ये कपिल शर्मा जी हैं, वो ना सोफे पे बैठते हैं, हंसते रहते हैं, अरे वो जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना जो हमारी मूवी में आते हैं ठीक है, तो उनका इंटरव्यूज लेते हैं और बस सोफे पे बैठ के हंसते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, माइक को ठीक करते रहते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ शक सही निकला, चीटी थी, कोई नहीं, होप कि मरी ना हो, बस नीचे उतर गई हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है, मतलब वो चीटी कैसे पता लगी, यहाँ से पहले यहाँ पे थी तो मुझे लगा मेरा कोई बाल है, उसके बाद वो चलते चलते यहाँ आई, इसलिए मुझे फेंक नहीं पड़ी, बाद में पता नहीं था। चीटी जी ठीक रहना। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना? नहीं है, बाल ही था, अब पता लगा, इस साइड बाल था, वो वाली चीटी थी। हाँ, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, समाप्त होती है। फिर मिलेंगे चलते चलते, टाटा बाय बाय, गुड बाय।